बात करूंगा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को 7 मार्च 2019 से जो राहु देव परिवर्तित हुए हैं, आपकी कुंडली में 12वें भाव में संचरण करेंगे। अब 12वें भाव में जब विचरण करेंगे तो क्या करेंगे, विदेश यात्रा के रास्ते खोल देंगे, खर्चे बढ़ा देंगे, लग्जरी की चीज़ों पे खर्चा करना शुरू कर देंगे, अनाप शनाप खर्चे शुरू हो जाएंगे आपके। सिर्फ किस चीज़ पे, मौज मस्ती पे, ट्रैवलिंग पे, फ्लाइट टिकट ले रहे हैं, जहाँ आपको 20,000 रुपये की टिकट मिलनी चाहिए वो 25 की मिलेगी, 25 वाली 50 की मिलेगी, अर्जेंट में फ़्लाइट लेनी पड़ जाएंगी, ऐसी चीज़ें आपकी कर्क राशि के अंदर 12वें घर का राहु, आपने इन्होंने अपना काम करना ही करना है। सेहत की बात करूँ, सेहत अच्छी रहेगी लेकिन छोटी मोटी परेशानियाँ चलती रहेंगी। हाँ, मानसिक परेशानी बहुत रहेगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और जब कर्क में कर्क राशि वालों को जैसे 12वें घर का राहु आता है तो क्या है, थोड़ा हाइपरनेस बढ़ जाती, चिंताएं बढ़ जाती, चिंता बढ़ जाती है, छोटी छोटी बात पे वहम करना, शक करना, नेगेटिविटी, इनसे आपने बचना है। और देखूँ तो समुद्र के किनारे अगर जाने का मौका मिले तो चले जाइएगा, मज़ा आ जाएगा, राहुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। और राहुदेव को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा की आराधना और भैरव जी की आराधना आपको करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को ये उपाय करेंगे तो राहु देव ने रिजल्ट आपकी फेवर में देने शुरू कर देने हैं। भाई देखो, किसी की आराधना जब आप अपने से किसी बड़े आदमी के आगे हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, चाय कॉफी पूछते हैं, तो सामने वाला कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, खुशी तो मिलती है ना। इसी तरीके से जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे जो पीर पैगंबर हैं, जो ईश्वर हैं, जब हम उनके लिए कोई प्रेयर करते हैं, उनको हम ऑफर करते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए ये प्रेयर कर रहा हूँ, मेरे कष्ट दूर करो, तो प्रभु भी देखते हैं कि भाई हाँ, इस बच्चे को कष्ट है तो ज़रूर दूर करूँ। तो कहीं ना कहीं आप ये कर्क राशि वाले उपाय करें।